रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। कल मेरा जन्मदिवस था, उस पर आपका बहुत प्यार, बहुत ही आशीर्वाद मिला और यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा और ये चैनल आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अर्पित करता है। और आज आपको एक ऐसी रिमोट लोकेशन पर लिए चलेंगे जहां सुकून, शांति, झरने, नदियां ऐसे आपको देखने को मिलेगी और अलग ही वाइब। और यह अनछुई लोकेशन पर हम कुछ छुई लोकेशन है, कुछ अनछुई लोकेशन है, वहां लिए चलेंगे। तो आपके स्क्रीन पर है सेंज वैली का दिलहरा कोठी। क्या कभी आपने नाम सुना है या देखा है दिलहरा? और रेला के अंदर आता है। हम जो दिखा रहे हैं सेंज वैली और तीर्थन वैली, यहाँ न तो कोई परमिट की आवश्यकता होती है, न कोई पास की आवश्यकता होती है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ जो ये आर्किटेक्चर हिमालयन आर्किटेक्चर है और कई वर्ष पुरानी कोठी है, इसके बारे में हिस्ट्री तो हमें मालूम नहीं। कोई लोकल्स इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हिस्ट्री को आप थोड़ा सा लिखिएगा, कभी इसकी हिस्ट्री भी हम बताएंगे। और रेला के अंदर है एक बहुत प्यारा वाटरफॉल जो आपका दिल खुश कर देगा और इसके अंदर स्नान तो बनता है, एंजॉय बनता है, लेकिन प्लास्टिक मत फैलाना, ये चैनल आपसे करबद्ध निवेदन करता है। तो ये रेला वाटरफॉल ये सबसे प्यारी लोकेशन है सेंज वैली की और बहुत ही अमेजिंग, आपकी पूरी थकान काफूर हो जाएगी। लेकिन इस वाटरफॉल का पानी इतना ठंडा है कि आप एक दो मिनट के अंदर ही इस वाटरफॉल से बाहर आ जाएंगे। तो जो हमारे साथी, उनके साथ ऐसा ही हुआ, हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो। और इस वाटरफॉल को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। जिया वाटरफॉल भी आता है, यदि आप मनु टेम्पल साइड जाते हैं तो जिया वाटरफॉल को भी एंजॉय कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे जो साथी है राजकुमार जी, काबिल साथी है, ट्रैकर भी है, अच्छे जानकार है लोकल्स के और जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ हैं, तो उनसे संपर्क कीजिएगा, उनके मोबाइल नंबर है। तो यहाँ घूमने के लिए आप घूम सकते हैं, नदी के किनारे पर बैठकर एंजॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है और कुल्लू के बीच एक टनल आती है, लोकेशन का नाम है ओट। ओट से आपको डाइवर्जन लेना होगा, मनालीले हाईवे को छोड़ के इस तरफ आना होगा और ये सेंज वैली सबसे पहले आ जाएगी। 25 किलोमीटर के ऊपर ही है और यहाँ 4-5 दिन स्पेंड कर सकते हैं। और लोकेशन ऐसी कि आपको ऐसा होगा अनुभव कि हम स्विट्जरलैंड के अंदर आ गए हैं। आपने हिमाचल प्रदेश का खजियार जो डलहौजी के नज़दीक है उसका नाम सुना होगा, उससे बड़ा मैदान, उससे बड़ी शांति। और इससे भी आपका मन नहीं भर रहा है तो ट्रेक करके गिलजाउन ट्रेक कर सकते हैं, इससे 4 या 8 गुना मैदान ऊपर देखने को मिलेगा और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का शानदार नज़ारा भी देखने को मिलेगा। और यहाँ शीतल बयार, क्योंकि देवदार के वृक्ष होते हैं, वहाँ ठंड जरूर पाई जाती है। और यह है मनु टेम्पल, मनु टेम्पल की यात्रा कीजिएगा। और यहाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और भी साफ दिखाई देता है और साथ में यहाँ जिया वाटरफॉल है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा देहूरी और सराहण भी आप जा सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा यदि आपको एकांत पसंद है, शांति और सुकून की तलाश है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट की एक बाढ़ सी आ चुकी है, तो यहाँ आपको कम टूरिस्ट मिलेंगे अन्य लोकेशन के बनिस्पत। और शांति के लिए आप यहाँ आ सकते हैं और ट्रेक भी कर सकते हैं। और तो आपके स्क्रीन पर है सांगचुल महादेव और जो सांगड़ वैली के देवता हैं और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और यहाँ के लोकेशन के बारे में यह अच्छा भाई साहब क्या करें सुनिएगा। आपने ये लोकेशन दिया हमको, बहुत अच्छा ये लोकेशन है। मैं तो हर टूरिस्ट से यही सजेशन करूँगा, यहाँ हर टूरिस्ट को आना चाहिए। जो भी कुल्लू या मनाली लोग आते हैं उनको यहाँ जरूर आना चाहिए, इतना अच्छा लोकेशन है। मैं तो इस लोकेशन को मनाली से बेस्ट लोकेशन देना चाहूँगा, जरूर आना चाहिए आपने।